हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती आरती'स फूडी मील्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं एग रोल। एग रोल बहुत ही झटपट बन जाता है, बच्चों को बहुत पसंद होता है, खासकर मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। तो देखिए इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। आटा ले लिया है यहाँ पर मैंने गूंद कर, मेयोनीज है, मेयोनीज में मैंने रेड चिली सॉस मिक्स कर दिया था, नमक है, दो अंडे हैं। पराठा बनाने के लिए तेल या घी लगेगा। स्लाइस में कटा हुआ प्याज है यहाँ पर, पत्ता गोभी लिया है जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है, तीन मैंने हरी मिर्च ली है जिसको मैंने बारीक काट ली है, अदरक लहसुन का पेस्ट है थोड़ा सा, और मैगी मसाला। तेल मैंने गरम कर लिया है कढ़ाई में, आप देख सकते हैं एक छोटा चम्मच मैंने तेल डाला है। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसी के साथ हम हरी मिर्च ऐड कर देंगे, साथ ही में हम प्याज ऐड कर देंगे। हमको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा इसको सौते करना है। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट ना हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसमें गार्लिक डाल सकते हैं काट कर, और उसमें डालना है पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, और इसे चला कर बंद कर देंगे हम थोड़ी देर में। इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे और मैगी मसाला, और मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे और हमारा पराठा बनाएंगे। सबसे पहले हम ऑमलेट बनाकर तैयार कर लेंगे। ऑमलेट बनकर रेडी है, अब पराठा बनाएंगे। तवा गर्म है जिस पे मैंने अंडा बना लिया था, बस उसी पे मैं चपाती डाल रही हूँ। एकदम हल्का सा तेल लगाकर हमको उसको सेकना है। पराठा सीख रहा है, तब तक के लिए आज का गाना। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, हे ठहरे ठहरे दिन जाएगा गुजरे, जरा देखने दे देखने दे रे। पराठा बनकर रेडी है, उस पर हम लगाएंगे मेयोनीज। आपको मेयोनीज जितना पसंद हो आप लगा सकते हैं। मेयोनीज लगाने के बाद हम उसमें जो सब्जी हमने बना ली थी वो लगाएंगे। और फिर अंडा डालेंगे। और इसको रोल कर लेंगे। अब इसको रोल कर लेना है और रेडी है हमारा खाने के लिए एग रोल। आप भी खाइए, औरों को भी खिलाइए, बहुत ही टेस्टी होता है। और मुझे प्लीज़ बताइए कैसा लगा आपको। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।